बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, रमज़ान करीम के आने में, अहमदाबाद में बस कुछ दिन ही बाकी हैं और सबके घरों में इस सिलसिले में तैयारियां चल रही हैं। तो आज का जो व्लॉग है ये है ग्रॉसरी से। जब भी मैं ग्रॉसरी करती हूँ, चाहे मंथली वीकली, तो मैं सबसे पहले देख लेती हूँ कि क्या चीज़ें हैं और कितनी क्वान्टिटी में चाहिए और कौन कौन सी आइटम चाहिए। तो फिर मैं उस हिसाब से चेकलिस्ट बना लेती हूँ, तो वो हम लोग फिर ग्रॉसरी कर लेते हैं। आज की जो ग्रॉसरी है ये हमने दो स्टोर से की थी, एक डेन्यूब से की थी, एक लुलु हाइपर से, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ से मिलनी थी, कुछ वहाँ से, तो फिर हमने दोनों स्टोर से ही बाय की। और इस तरह से फिर आपको पता है कि थोड़ी आसानी भी हो जाती है जब आप मंथली ग्रॉसरी इकट्ठी कर लेते हैं। वीकली तो चलती रहती है, जाहिर सी बात है, उसमें डेयरी की चीज़ें आती हैं, तो मंथली से ये होता है कि आपकी एक जो है आपको एक बरकत भी होती है। और साथ साथ में एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट नहीं, एक समझें कि सभी हम ज़ाहिर बहसियत मुसलमान होने की सभी को पता है कि रोज़े का मकसद क्या है। तो मैं भी यही चाहती हूँ, मेरा भी यही मकसद है कि मैं रमज़ान से पहले पहले जो भी काम है, जो रमज़ान की जो भी प्रेप है, वो पहले कर लूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो इबादत की तरफ हो, ना कि किचन में मेरा जो है ना टाइम स्पेंड हो। और साथ में सभी करते होंगे, लेकिन यहाँ मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगी कि अपने इर्द गिर्द सबसे पहले अपने जो रिश्तेदार, अज़ीज़ो अक़रबा, जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, और जैसा कि कोविड की वजह से इतने हालात ख़राब हुए हैं, तो हो सके तो रमज़ान से पहले उन सब की आप ज़रूर जो है जितनी हो सके आप इमदाद करें। हम भी इस तरह करते हैं, पहले ही दे देते हैं, कर देते हैं, ताकि वो भी आसानी से अपने जो है रमज़ान के रोज़े जो हैं और इबादत अच्छी से कर सकें। तो ये चीज़ें थी जो ग्रॉसरी में मैं लेके आई हूँ, और जो मुझे चाहिए थे वो लाई थी। जैसे चना की दाल है, ये आप देख सकते हैं, लिप्टन की चाय है, ऑयल है, नूडल्स हैं, मुचबक है, ब्रेड है, सवैयाँ हैं, क्योंकि सवैयों का पैकेट पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने एक उठा लिया कि रमज़ान में होता है कि मीठा ज़रूर बनता है। तो बाकी कुछ चीनी थी, जो जो चीज़ें घर में थी, और मैंने उस हिसाब से फिर वो चीज़ जो थी ना वो कम ले ली। जैसे अभी सवैयों के दो पैकेट थे तो एक मैंने ले लिया। तो इस तरह से मैं ना अपनी ग्रॉसरी को देख लेती हूँ, फिर उसके वैसे बना लेती हूँ। ये स्वीट्स की जो है, ये समोसा पट्टी मैंने ली है। अब इनके जो है मैं समोसा जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रेसिपी भी इसके ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह की जो है समोसे किस तरह से बनाती हूँ। और बस वो इस तरह से ही होता है कि आप जब रमज़ान में, ज़ाहिर सी बात है कि आपका अगर आप पहले से थोड़ी सी प्रेप कर लें तो आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। तो ब्राउन शुगर जो कि हमेशा मेरी जो ग्रॉसरी में यही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वाइट ब्रेड है, आजकल वाइट ब्रेड ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ब्राउन ब्रेड से पता नहीं टेस्ट अजीब सा मुझे फील हो रहा था, और वैसे भी मुश्तबा को पसंद नहीं है। और ये स्ट्रॉबेरीज की जो फ्लेवर की जैली और क्रीम, ये सब कुछ जो है रमज़ान के लिए है, क्योंकि इसमें मीठा बनेगा। मुश्तबा की न्यूटेला, क्योंकि मुश्तबा को चाहे बड़ा जार भी ले दें या छोटा, तो वो दो दिन में ख़त्म कर देते, तो फिर इस आदत से मैंने कहा कि नहीं, इसको छोटी ही लेके देते हैं। ये मैंने ली है ABC की हॉट सॉस, जो फर्स्ट टाइम मैंने ली है। मैं हमेशा हैंस की लेती हूँ या अमेरिकन गार्डन की, तो वो मुझे नज़र नहीं आई। ऑयस्टर सॉस और ये बेकिंग सोडा जो किचन में काफ़ी हेल्प देता है, और फ्रेश मिल्क तो डेली ही आता है। साथ में फ्रूट्स भी, फ्रूट्स में हम लोग ज़्यादा बनाना और एप्पल और स्ट्रॉबेरीज वगैरह इस तरह की चीज़ लेते हैं। ये खुबस थे, क्योंकि जब आप ग्रॉसरी करके आएँ तो फिर हिम्मत नहीं होती, खाना मैं बना सालन में बना ही थी, तो मैंने कहा घर जाकर रोटियां बना लूँगी, तो फिर हमने खुबस ले लिए थे। ये काफ़ी फ्रेश थे, डेन्यूब की जो बेकरी साइड है उसमें ये होती हैं इस तरह की चीज़ें। और ये कुछ बनानास थे, क्योंकि फ्रूट जो हैं सिर्फ मैं और मेरे हबीब बहुत कम मतलब खाते हैं, ये मुश्तबा है वो भी, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं चाट बना लेती हूँ तो वो फिर आराम से खा लेते हैं। और ये कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स थी, जिसमें सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें, पालक वगैरह इस तरह की चीज़ें, जो कि इनको मैं काट के और फ्रीज़ कर लूँगी, आगे रमज़ान में काम आएगी। लहसुन अदरक, इसको भी मैं छील के इसलिए लिया कि इसकी भी मैं स्टोर करके रख दूँगी, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये मुझे वर्क मिल गई थी एप्रिकॉट की, और ये पल्प ही है, तो मैंने इसकी चटनी के लिए मैंने इसको दो नज़र आए, तो मैंने फिर दो पैक ले लिए,
तो इसकी मैंने जो है चटनी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और बहुत ही मज़े की बनी थी। ये बैग्स बड़े काम आते हैं, एक ये सिंपल है, एक जिप लॉक बैग है। तो जिप लॉक बैग में ये कि काफ़ी आप फ्रोज़न आइटम्स और वैसे रख सकते हैं। तो ये भी छोटी मोटी जो है ये सारे स्नैक्स आइटम जो हैं ये मुशतबा की हैं, और ये मुशतबा का जो है क्या उसको शावर जो है स्पंज लिया मसाजर, तो ये उसको लिया था, ये भी इसने खुद ही सेलेक्ट किया अपना। और मसाले जो थे घर में थे तो मैं इसलिए स्पाइसेस वगैरह नहीं लिए, और ये डिटॉल था, ये कुछ बॉक्स मुझे नज़र आए थे होम बॉक्स में, आप जिन देख रहे हैं ये स्पंज थे, और बाकी बिरयानी मसाला ये वगैरह भी पड़े हुए थे, तो इससे मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की। सिर्फ वो चीज़ें ली हैं जो नहीं थी या कम थी तो फिर उस हिसाब से ली। बाकी जो राइस और जामी शीरी बेसन मैदा और आटा वगैरह था वो भी कुछ चीज़ें थी, जामी शीरी वगैरह इधर से नज़र नहीं आया दनूब से, तो वो फिर हम लोगों ने लुलू हाइपर से ही लिया। और यहाँ पे जब चीज़ें ये मैं निकाल रही थी तो मुश्तबा मेरे पास थे, तो उनकी नज़र जामी शरीफ पे पड़ गई, तो उनका वो फेवरेट है, लेकिन उसका वो फीवर हुआ था, तो वो कहता अच्छा इससे वो अपने ही कह रहा था कि मैं तो उसको पी नहीं सकता ना, तो उसकी वो बातें जो है ना वो कर रहा था। तो खैर ये हम लोगों का फेवरेट है जामी शरीफ, लेकिन हस्बैंड जो है रूह अफजा ले आए, वो कहते हैं अच्छा मैं समझा था जामी शरीफ है, और ये स्वीट जो हैं और सॉल्टेड जो हैं पफ हैं साथ में, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग जो है ना जामी शरी, क्योंकि पता है रमज़ान हो और जामी शरी के बगैर जो है ना दस्तरखान वो मुझे बिल्कुल फीका लगता है, और फेवरेट है ये कुछ फ्रूट्स फिर लेके आए थे जो वहाँ से अच्छे नहीं मिले, फिर लुलू हाइपर से ये चाट मसाला मुझे वहाँ नज़र नहीं आया, तो ये लिए साथ में ग्रेप्स थे, और ये कैन के जो कैन लिए थे जो मिक्स फ्रूट होता है कॉकटेल, कैचअप जो हैंस की अच्छी लगती है तो ये ली वहाँ से, और फूड कलर चाहिए थे ऑरेंज रेड और ये सारा। ये जो नेक्स्ट लुलू हाइपर से जो ग्रॉसरी की थी ये हस्बैंड ने की थी, क्योंकि मैं फिर उनके साथ नहीं गई थी, तो मैंने उनको बता दिया था कि जो चीज़ें रह गई हैं वो आप ले आइएगा। तो बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम, क्योंकि रोज़े का असल मकसद ही यही है, और अगर हम ज़्यादा टाइम जो है किचन में गुजारेंगे तो वो फिर असल जो मकसद है वो तो फिर वो तो ना हुआ। तो मेरा यही मानना है कि मैं इसलिए पहले से प्रेप कर लूँगी ताकि मुझे कम ही किचन में जाना पड़े। और ये मैदा था, इसके मैंने कहा था मैं समोसाज वगैरह जो है ना घर में जो दूसरे होंगे आलू के समोसा तो वो मैं डो तैयार करूँगी, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये थी ग्रॉसरीज, और होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया, और क्योंकि इससे ये होता है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी की देखते हैं या आपको आइडिया मिल जाता है कि कौन सा ब्रांड अच्छा है या कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी है, तो मकसद यही होता है वीडियो बनाने का, ये शेयर करने का। तो ये थी हमारी रमज़ान की ग्रॉसरी, और इसमें अभी राइस और फ्लावर नहीं है क्योंकि वो है था तो इसलिए हमने अभी नहीं लिया, तो क्योंकि हम जो ज़्यादा राइस है वो ताज महल का इस्तेमाल करते हैं और अल बेकर का जो है वो आटा इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं जो चीज़ें मेरे हाथ में आ रही थी वो मैं निकाल रही हूँ, ये साथ में फ्रूट्स थे एप्पल, क्योंकि एप्पल ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मेलन, और फिर ये थी करेले चाहिए थे, कद्दू चाहिए था, भिंडी, मतलब इस तरह की सब्ज़ी जो है ना मुझे बड़ी पसंद है मुझे मेरे हस्बैंड को। तो फिर कुछ दिनों के बाद दिल करता है कि भी इस गोश्त की रूटीन से हट के ना सब्ज़ियाँ और दालें होनी चाहिए, तो मैंने कहा चलो मंगवा के रख लेती हूँ, तो फिर वीक में एक दो दफ़ा बंदा सब्ज़ी भी बना लेता है। और ये मुशतबा की क्यूकम्बर, क्योंकि वो जब भी हम लोग जाएँ तो उसको यही होता है कि मेरे क्यूकम्बर ज़रूर लेने हैं, उसके मोस्ट फेवरेट हैं ये, और कुछ ले ना ले तो उसको ये होता है कि बस क्यूकम्बर जो है ना वो ज़्यादा, वो भी इतना खाने पीने के शौकीन नहीं है, बस एक दो चीज़ें हैं जो उनको पसंद है। तो होपफुली आज का व्लॉग पसंद आएगा, मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, और दुआ में याद रखिएगा मुझे मेरी फैमिली को, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।